हेलो दोस्तों, स्कूबी टू चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कैनल ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो कैनल भी नहीं है, वो अपने आप में एक महारत रखता है। पूरे इंडिया में शायद इनके नाम को हर बंदा जानता है। छोटे से छोटा ब्रीडर हो, पुराने से पुराना ब्रीडर हो, पुराने से पुराना इंपोर्टर हो, पुराने से पुराने KCI के जजेस हों, इनके फार्म को ये सभी जानते हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर कुलजीत जी, कुलबीर कैनल के नाम से ना। जी जी। कुलबीर कैनल बेसिकली कोड़ी विलेज है, खन्ना के पास, वहाँ पर सेटल है। और इंडिया में सैंड बर्नार्ड इंपोर्ट करवाने वाले पहले और सैंड को पूरा प्रमोट करने वाले पहले ब्रीडर हैं। सर, आपको कितने साल हो गए इस बिज़नेस में? हमें 18 से 20 साल हो गए इस बिज़नेस। बिजनेस नहीं है ये। नहीं, आजकल तो बिज़नेस ही बना हुआ है। नहीं, ये बिज़नेस नहीं है। अगर आप सब बिज़नेस बन जाता है, हमारा भी बिजनेस बन गया, ऐसी बात नहीं है। बिजनेस हमने भी शुरू किया, बिजनेस बनना शुरू बन गया, बिजनेस करते हैं, पर डॉग लवर हैं उसके साथ हम। अगर आप डॉग लवर नहीं हो तो आप डॉग नहीं रख सकते। आपने कितने डॉग शो आज तक किए हैं टेंट? शायद स्टार्टिंग से कर रहे हो। मुझे भी 18-20 साल हो गए ये डॉग शो करते हुए। मैं हर आदमी को यही बोलता हूँ, डॉग रखने से पहले आप डॉग लवर बनो। अगर आप डॉग लवर नहीं हो तो आप डॉग नहीं रख सकते। डॉग लवर बनना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, सबसे पहले आपने क्या इंपोर्ट करवाया था? सबसे पहले हमने सैंड बर्नार्ड ही इंपोर्ट करवाया था। सबसे पहले हमने सनाउन नाम का डॉग था, वो थाईलैंड से लेके आए थे, मैं और मेरे बड़े भाई साहब भूपिंदर जी, जिनको जिनको लोग कुलवीर के नाम से जानते हैं। कुलवीर जी का नाम ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। से और क्या क्या दिक्कत आती है ब्रीडिंग लाइन में? ब्रीडिंग लाइन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ब्रीडिंग में ही आती है। भी आपको बहुत सोच समझ के ब्रीडिंग करनी चाहिए, किस डॉग को किस फीमेल से हमें मेट करवाना चाहिए, ठीक है जी। उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा ना हो भी आप कोई भी फीमेल हो किसी डॉग के साथ भी छोड़ दो, वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, पर उस लाइन को आप चेंज कर दो। अगर आपको उसका सक्सेस नहीं मिल रहा तो उस लाइन को आप चेंज कर दो। अगर आप लाइन को चेंज नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे तो आपकी फीमेल में थोड़ा सा फॉल्ट है, उसमें एक अच्छा डॉग लगा के वो फॉल्ट, हाँ वो फॉल्ट वहाँ वो पूरा कर सकते हैं। एक्चुअली ब्रीडिंग उसको उसको ब्रीडिंग कहते हैं। आपको पता होना चाहिए भी किस डॉग में क्या प्रॉब्लम है। अगर हम इस डॉग को उस फीमेल से मेट कराएंगे तो पप्पी होंगे वो बहुत ज़्यादा बेटर होंगे, उनमें फीचर बहुत ज़्यादा अच्छे, अपने मदर फादर से अच्छे फीचर आने चाहिए। मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक सर, शो क्वालिटी और पेट क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, वो भी बता दीजिए थोड़ा। शो क्वालिटी और पेट क्वालिटी में डिफरेंट है ब्लड लाइन। हर आदमी बोलता है मेरे पास शो क्वालिटी डॉग है, पर भाई साहब ये तो बताओ उसके शो क्वालिटी में उसमें उसके मदर फादर कौन है, उसके दादा दादी कौन है, उसके नाना नानी कौन है, ठीक है जी। हम उसकी पेडिग्री क्या है, आपने कहाँ से इंपोर्ट कराया, किस ब्रीडर से लिया। जो शो क्वालिटी डॉग है वो अच्छे ब्रीडर से लो, आप जो रिप्यूटेड ब्रीडिंग करते हैं कैनल जिनके नाम पर, उनसे डॉग लो। हैं आपका नाम लेकर भी कईयों ने डॉग बेचे होंगे। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ, किसी का मेरे को फ़ोन आया भी आपकी ब्रीडिंग का डॉग सेल हो रहा है। मैंने पूछा कौन सी ब्रीडर है, वो कहते हैं बॉक्सर। मैंने उसका फ़ोन ही काट दिया और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा भी। मैंने तो कभी बॉक्सर ब्रीड ही नहीं किया, मेरे कैनल पे कभी बॉक्सर भी नहीं आया, ठीक है जी। लोग ऐसा बोलते हैं हमारे नाम पे बहुत कुछ करते हैं। और सर, कितने डॉग आप इस टाइम ब्रीडिंग कर रहे हो? मेरे पास 60+ डॉग्स हैं। 60+ डॉग। जी हाँ। और इम्पोर्ट कितने हैं उसमें? उसमें 20-25 डॉग इम्पोर्ट होंगे। सैंड बर्नार्ड, सैंड बर्नार्ड जो नाम है वो संत से सैंड बर्नार्ड बना है। सैंड बर्नार्ड वो ब्रीड है जो लाखों साल पहले जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे उनके साथ रहता था। हमने अपना जो कैनल है वो सैंड बर्नार्ड से शुरू किया था। सैंड बर्नार्ड वो ब्रीड थी जिसको इंडिया में कभी भी आज से 20-15 साल पहले कोई पूछता नहीं था। हम सैंड बर्नार्ड को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है जहाँ पे अब सैंड बर्नार्ड बस फर्स्ट बेस्ट इन शो लग रहा है पूरे ऑल ओवर ग्रुप में, ऑल ओवर ब्रीड में और पूरे इंडिया में। लोग बोलते हैं भी सैंड बर्नार्ड में कोट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा केयर करोगे, अच्छा खाना डालोगे, अच्छा वेदर दोगे, इसका कोट बिल्कुल कभी भी नहीं ख़राब नहीं होगा। पप्पी सैंड बर्नार्ड के पप्पी
लोग बोलते हैं भी सेंट बर्नार्ड के पप्पी का कोट एक दो दो महीने में जड़ना शुरू हो जाता है, वो लोग बोलते हैं भी ये पप्पी कोट है जी भी ये जड़ रहा है, पर सेंट बर्नार्ड उनको जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके डॉग पप्पियों को फंगस या कि बॉडी एलर्जी होगी जिसके लिए उनका कोट जड़ता है। सेंट बर्नार्ड जो ब्रीड है इसका पप्पी कोट जड़ता है पर ऐसा नहीं है कि वो दो महीने पर, वो सात आठ महीने के बाद वो कोट जड़ना शुरू होता है। मेरे पास 30 सेंट बर्नार्ड है, उसमें से 5-6 इम्पोर्ट डॉग हैं, बाकी मेरे खुद की ब्रीडिंग के डॉग हैं। सेंट बर्नार्ड मेरे पास ब्रेवो नाम का डॉग है जो इंडिया का नंबर वन सेंट बर्नार्ड रहा है और 18 टाइम फर्स्ट बेस्ट इन शो लगा है। अभी वो यूएसए में है, मेरे बड़े भाई साहब यूएसए में हैं, उसको यूएसए में शो कर रहे हैं। इस साल वो यूएसए का ग्रैंड चैम्पियन हो, सेंट बर्नार्ड में ग्रैंड चैम्पियन हो जाएगा।